माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माँ किचन कॉर्नर। आज हम क्या बनाएंगे? हम आज फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म स्टफ्ड बंस बनाएंगे, चिकन फिलिंग के साथ बनाएंगे और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसका डो रेडी कर लेंगे। डो को फिर हम एक घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे और मीनवाइल हम चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ डो के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 कप मैंने मैदा लिया हुआ है, 2 कप प्लेन फ्लावर है, मैदा है। उसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर। साथ में हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट, जिससे ये बन वगैरह अच्छे से फूलेंगे। हम पहले ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लिया, उसके साथ में ऐड करूंगी 1 अंडा। साथ में 2 टेबलस्पून ऑयल है। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ जाएगा 1/2 कप मिल्क। 1/2 कप दूध है, उसको बहुत ही हल्का मैंने गर्म कर लिया है, ल्यूक वार्म है। 1/2 कप मिल्क है। अब हम डो रेडी करेंगे ये मिल्क से और इसमें जितने पानी की जरूरत होगी वो हम ऐड करेंगे, लेकिन पानी बहुत ही कम कम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हम उसको गूंथते जाएंगे। तो मैं इसमें उसको हाथ से हम इसका डो रेडी कर लेंगे। और जितना पानी की जरूरत होगी और सॉफ्ट सा डो बनाएंगे हम, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, बस अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून जाएगा पानी और जरूरत होगी तो हम डालेंगे। इसमें अराउंड 1/4 कप जितना पानी गया है। पानी की कोई रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप सॉफ्ट डो बनाना है, थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ करके हम इसको अच्छी तरह से उसको गूंध लेंगे। गूंधने के बाद इस डो की ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो हम रोटी का आटा गूंधते हैं उससे सॉफ्ट है। ये इसको बहुत अच्छी तरह से गूंध लिया है। अभी थोड़ा सा ऑयल इधर लगा देंगे नीचे और हम इसको डो को 1 घंटे के लिए कोई वार्म जगह पे कवर करके रख देंगे। मैंने पैन को मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल और साथ में है 1 टेबलस्पून भर के बटर। बटर मेल्ट होगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। 250 ग्राम्स मैंने चिकन कीमा लिया है और अब हम इसमें चिकन कीमा ऐड कर लेंगे। आप चिकन भी यूज कर सकते हो, मटन, बीफ, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आपको उसकी कुकिंग करनी होगी। ये चिकन का कीमा है, ये मैं ऐड करती हूँ। इसको बटर में थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। इतना इसको फ्राई करेंगे कि ये इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट हो जाए। इसका कलर मोस्टली चेंज हो गया है। 1 टीस्पून जो है वो फ्रेश जिंजर है जिसको ग्रेट किया है। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, इसके साथ हम इसको इसी तरह से थोड़ी देर के लिए भुनेंगे और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ ताकि अगर चिकन का पानी भी रिलीज होगा और उसमें ये जो चिकन कीमा है वो कुक हो जाएगा। तो उसको मैं तकरीबन 3-4 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। इसको हम चेक कर लेते हैं, चिकन का पानी रिलीज हुआ है और चिकन भी अच्छी तरह से पक रही है। इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी अराउंड 1 टीस्पून सॉल्ट है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और साथ में मैं ऐड करूंगी, एक मैंने बड़ी प्याज ली थी उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर लेंगे।
और इसको मैं इसी तरह से इस पे हम फ्राई करेंगे और इसको अगेन मैं कवर कर लेती हूँ 2-3 मिनट के लिए। चिकन का पानी बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और इसमें हम अभी ऐड करेंगे ये बेल पेपर है। 1 कैप्सिकम को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, अराउंड ये 1/2 कप है। और साथ में मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लावर वो ऐड कर लूंगी। हमने ये मैदा ऐड किया है तो इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से इसको भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन भी निकल जाए। फिर इसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क। बहुत ही यम्मी सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा ये। और मिल्क ऐड करने के बाद ये अच्छा सा ये कंबाइन हो जाएगा मसाला। इसके साथ मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून लाल रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ड्राइड ऑरिगनो होता है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ड्राइड बेजल लीव्स है। ये चारों चीजें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसको बिल्कुल स्लो हल्की आंच पे हम इसको कुक करेंगे और मैं इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए कवर कर लूंगी। 1-2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वेरी नाइस। और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है ऑरेगनो और ब्लैक पेपर पाउडर और हर चीज की। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग एकदम बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गई है और इसको हमने ठंडा भी कर लिया है और अब हम डो को चेक कर लेंगे। ये इसको 1 घंटा हो गया है जो हमारा डो रेडी किया था हमने और ये बहुत ही अच्छी तरह से साइज में भी डबल हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और भी इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे हम। ये हमने आटा लिया और बोर्ड को हम इस तरह से ऑयल कर लेंगे अच्छे से, ड्राई नहीं होना चाहिए। और इसकी हम छोटी सी रोटी बेल लेंगे, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। अब हम इसमें थोड़ा सा ये पेस्ट ऐड करेंगे, 1 स्पून जितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर बाहर की आ जाएगा इसके अंदर। और इस तरह से इसको पिंच करते जाएंगे हम। इस तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। ये हमारे सारे रेडी हो गए हैं। हम इसको अभी 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और थोड़ा सा इस तरह से ऑयल वाला हाथ करके ताकि ये ड्राई नहीं हो गए। इसको 15 मिनट हो गए, मैं चेक कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से इसको फूल गए हैं। ये हमारी बेकिंग ट्रे है, इसको मैं थोड़ा सा बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लूंगी और ये हम सारे इस पे लगा देंगे। इसको हम 15 से 20 मिनट तक, जब तक के ऊपर से अच्छी तरह से वो कलर आ जाएगा ब्राउन, तब तक हम इसको भी बेक करेंगे। ये 1 अंडा बीच किया है, इसके ऊपर हम एग वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से एग वॉश कर लेंगे इसको और इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़े से सेसमी सीड्स यानी तिल, वो थोड़े हम छाट देंगे। रेडी है, अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। ये हमारे
बंस रेडी हो गए हैं। जब वो गरम गरम होगा तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें बटर लगा देंगे और ये हमारे रेडी है। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हम इसको एक को इस तरह से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेड भी अंदर रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह से फिलिंग भी। बस इसका ये ध्यान रखना है कि 15 से 20 मिनट लगती है इसको कुक होने में, और ब्रेड अगर एक दफ़ा कुक हो जाती है तो हमें बस इसको ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक होगा तो वो बीच में से फट जाएगा, जिस तरह ये थोड़ा सा इस तरह से हुआ, ये नेचुरल है, ये होता है इस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से ये रेडी हो गया है। ये हमारे चिकन स्टफ्ड बन बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छे डिलीशियस, और पूरे घर में बहुत ही अच्छी बेकरी की खुशबू आ रही है और बहुत इजीली बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। और मेरे पास इसका थोड़ा सा जो पेस्ट है वो रह गया है, हम इसको सैंडविचेस में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रिल करके और यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इस पर कमेंट्स ज़रूर करना, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ।